through the character sketch of Helen Keller with the help of this mind map and write up, we know about the writer. प्यारे बच्चों हुण आपां इस कैरेक्टर स्केच नूं सब तो पहला इस माइंड मैप नाल समझांगे, उस तो बाद असीं बड़ी आसान भाषा दे विच इस नूं लिखांगे। सब तो पहला तुसीं सारे ध्यान नाल देखो, दिस इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। द चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ का जिहड़ा मुख्य पात्र है वह कौन है? हेलन केलर। उन्होंने स्वैच की है। First of all, she was born as a normal child. Then she had fever at the age of 19 months. Then she got blind, deaf and dumb. Due to this, she faced many troubles. And due to this, she faced and fought the darkness of life. But finally, a teacher came to her life as a ray of hope. The teacher gave her the knowledge of language, and you all know that she got hope and joy with this knowledge, and in this way she became the famous writer and wrote this autobiography. Now we will write the character sketch on the basis of this mind map. So first sentence will be, Helen Keller was born in 1880 as a normal child. तो बिल्कुल साधारण वधिया स्वस्थ बच्चे की तरह 1800 से जुना का जन्म होया। But at the age of 19 months, she got blind, deaf and dumb. बच्चों blind का मीनिंग क्या होता है? Deaf, बोला होगा, dumb, So, इस बुखार करके वो ब्लाइंड हो गए, डेफ हो गए थे, डंप हो गए। She faced many troubles, ऐसा भी मतलब होया? उन्होंने बहुत सारी अफड़ा लड़ना पड़ा, शाबाश। Finally, अंत विच एक चंगा कम हो रहा, वो की होया? ये डेट तुसी याद रख रही है कि 3 मार्च 1887 नूं वो अपने अध्यापकां नूं बोलदे ने। अध्यापकां दा नाम की सी क्लास? एनी मैनफील्ड सुलिवान। ये सुलिवान ने उन्हां नूं लैंग्वेज दी नॉलेज दित्ती, भाषा दी नॉलेज दित्ती। भाषा सीखण नाल उन्हां दी कल्पना डेवलप हुई ते उन्हां दे नेड़े संसार दे विच कल्पना दीआं तस्वीरां पैदा होईआं। So, her world was brightened. So, इस ज्ञान 22 साल की उम्र के बीच ही अपनी स्वयं जीवनी लिखी, उन्होंने शुरू की लेखिका बनना। So, this was all about the character sketch of Helen Keller. सारे को समझा गया बेटे? हाँ। Thank you.